एक माँ की क्रूरता देखिए। अपने प्रेमी के लिए अपनी ही बेटी को देवी मंदिर में छोड़कर फरार हो गई। उस माँ को जरा भी शर्म नहीं आई, उस माँ को जरा भी ख्याल नहीं आया कि इस बेटी का क्या होगा, उस माँ को जरा भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बेटी अकेली कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। मामला पानीपत का ही है। एक क्रूर माँ अपनी 6 साल की बेटी को देवी मंदिर में छोड़कर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे छोड़कर अपने आशिक के साथ वो फरार हो जाती है। बच्ची वहाँ पर 4 से 5 दिनों तक अकेली रहती है। नवरात्रे हैं तो भक्तों की वहाँ भीड़ रहती है, जिनसे वो खाना मांगकर खाती है और वहीं ज़मीन पर रोजाना सो जाती है। लेकिन एक महिला जो दर्शन करने के लिए अपनी बेटी के साथ देवी मंदिर में जाती है, रात का समय था, महिला से ये बच्ची पानी मांगती है। उस वक्त वो काफ़ी रो रही थी। महिला ने बच्ची से पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, तब बच्ची क्या बताती है वो आप इस नेक दिल की महिला को ही सुनिए। मेरी बेटी देवी मंदिर में हम घूमने गए थे, वहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ ये बच्ची हमें रोती हुई मिली, ये हमारे से पानी मांग रही थी। तो मेरी बेटी ने पूछा उससे कि बेटा आपकी मम्मा कहाँ है, तो बोलती है कि मेरी मम्मा तो मेरे को यहाँ छोड़कर ये बोलकर कि दवाई लेने जा रही हूँ, किसी के साथ चली गई। तो मेरे हमने बोला कि आप हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ चलोगे। हमें रात के 12:30 बजे का टाइम था, 12:15 का, तो हमने वहाँ इसको छोड़ना सेफ नहीं समझा। तो लेकिन मैं थाने में आना चाहती थी, लेकिन टाइम ज़्यादा था तो मैं नहीं आई। और पुलिस का तो देख लो जी, सुबह से अगर दीदी के साथ है तब नहीं आ रही, तो मैं फ़ोन करके तो कौन आता, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने रात को ही दीदी को कॉल किया, दीदी ऐसे ऐसे एक लड़की मिले, तो दीदी बोला कि आप रखो रात को, सुबह से चलते हैं थाने देखते हैं जो भी होता है। सुबह फिर मैंने दीदी को कॉल किया, बाकी सब दीदी ने आपको बताई थी जो उन्होंने कहा। बच्ची अच्छे से बोलती है, बताती है एड्रेस वगैरह अपना, नाम पता बोलती सब कुछ है, और एड्रेस भी बताती है, अपने दादा का नाम सबका नाम बताया उसने मुझे, एड्रेस भी अब उसी ने बताया हमें। जब आपको मिली तो क्या घबराई हुई थी, किस तरीके, क्या हालात थे उस टाइम पे? बिल्कुल गंदी हालत में थी, ऐसा लग रहा था कि 5-6 दिनों से यहीं पे है। मैंने आसपास के लोगों से तो पूछा वहाँ पर, जो वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि हम 26 तारीख से कंटिन्यू इस लड़की को यहाँ पर। चोट वगैरह के निशान थे, जब मैंने इसको नहलाया तब देखा मैंने इसकी पीठ पे चोट के निशान थे। अब वो किस चीज़ के थे, अब वो तो ये बेटी। आपने बच्ची से बातचीत करी, कुछ बताया बच्ची ने? हाँ, बच्ची ने अपने दादाजी का नाम बताया था, अपनी मम्मी का नाम बताया, और ये बताया कि मेरी मम्मी कुराड़ गांव में किसी के साथ चली गई है, वहीं रहती है अब, और हमें यहाँ छोड़ दिया। तो सुना आपने, इस महिला ने इंसानियत और माँ की ममता दिखाते हुए इस बच्ची को बचाकर घर ले आती है, खुद नहलाती है, खाना खिलाती है। उसके बाद महिला समाज सेविका सविता आर्य को फोन करती है, फिर क्या होता है वो आप सविता आर्य को सुनिए। लड़की देवी मंदिर में थी और कुत्ते इसके पीछा लग रहे थे, तो पुलिस वाले जो रात को 2:30 बजे ही नन्नी का घर बताती है, या बच्ची अपना घर नहीं बताती क्योंकि डरती है वहाँ लेके जाएंगे तो इसको वो जो कहे परिवार वाले मारते पीटते हैं, तो इस वजह से नन्नी के पास लेके आते हैं। तो रात को कह रही है, भैया एक महिला और आई है, इनकी रिश्तेदारी है, ये भी बता रही है कि देवी मंदिर में जब चली जाती है खाने कूने के लिए, वहाँ पे जब खाना नहीं मिलता घर में तो खाने के लिए ही जाती होगी। तो उसके बाद ये कह रही है कि कभी समय के हो गए पास थे, तो मतलब गरीमत रही कि रात को ये नीतू जो है अपनी बच्ची के साथ दे, जैसे नवरात्रे चले हुए हैं और देवी मंदिर में ये गई थी, देवी मंदिर में गई तो इसने ये लड़की वहाँ पे मिली और इसने पूछा कि बेटा ये पानी मांग रही थी वहाँ इससे कि आप यहाँ पे कहाँ, आपकी मम्मी कहाँ है, तो बोली मम्मी तो छोड़ के मुझे और एक अंकल के साथ एक्टिवा पे बैठ के चली गई और मेरे को यहाँ छोड़ के चली गई और मैं कई दिन से यही हूँ, यही खाती हूँ, यही सो जाती हूँ। तो इसने, इसको बेचारी को पता नहीं था कि ये बातें थाने में बतानी चाहिए या क्या, इसने वो एक इंसानियत के नाते इस बच्ची को लेके अपने घर चली गई। रात के 12:30 बजे के आसपास इसका मेरे पास फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे एक बच्ची मिली है, मैं क्या करूं, और मखा कहाँ पे है, मंदिर में, बोली ना मंदिर से तो मैं घर ले आई थी कि भाई यही सोच के कि भी कोई हादसा ना बच्ची के साथ हो जाए। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने वीडियो कॉल में मैंने इस बच्ची का चेहरा देखा, इससे मिली, बात करी, मैंने कहा कोई नहीं, और मैंने रात को कई थाने प्रभारियों के व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया था, भी एक बच्ची मिली है, कोई पूछने आए तो बता देना। और रात को क्योंकि मुझे भी ये पता था कि 112 पे या किसी पे भी अगर कॉल करेंगे रात को और बच्ची को छोड़ेंगे तो, क्योंकि रात को महिला पुलिस तो क्या पता मिले ना मिले, और ऐसे किसी के साथ रात को कैसे भेजेंगे फिर, वो सृष्टि होम खुले ना खुले सो बात है, तो इसलिए ये था कि बच्ची सेफ जगह है। और अभी जब इससे बात करी है, सुबह मैंने इसकी काउंसलिंग करी तो लड़की ने अपनी नानी का घर बताया, और पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पे मौके पे पहुँची हूँ, नानी का घर इसका मिल गया और नानी इसको मिल गई है। अब
इसको एक बार ना थाने में लेके जा रहे हैं, तहसील कैंप थाना है क्योंकि एरिया लगता है, वहाँ जाने के बाद बच्ची को ये कह रहे हैं कि सुबह भी इसका जो चाचा है वो आया था, वो कह रहा था मिल जाएगी तो उसके हाथ पैर काटूंगा, मतलब हाथ पैर काटने तो चल पड़े, लेकिन इसको बच्ची को ये नहीं कि ढूंढ ले या कहीं कंप्लेंट करवा दें, भाई बच्ची दो दिन से गायब है, चार कई दिन से थी देवी मंदिर में, दो दिन से कह रही है, दो तीन दिन से, पाँच छः दिन से, जब यह देवी मंदिर में मान ले थी, वहीं सो हुई थी या गुम हो रही थी, तो तब तो ये इन्होंने अब तक शिकायत तक भी थाने में ये नहीं दी कि भाई एक पाँच साल की छः साल की बच्ची हमारी गुम होगी, और ये कह रहे हैं कि ढूंढ के लाएंगे तो हम इसको मतलब कर देंगे, मतलब मार देंगे काट देंगे, इस तरीके की बातें हैं, तो भाई इनके पास तो छोड़ना भी इस लड़की के लिए जो जान को खतरा है, तो इसको थाने में लेके जाने लग रहे हैं, और थाने में जाने के बाद इसको देखते हैं वहाँ पे बालगृह में भिजवाएंगे, और उसके बाद देखते हैं बाद में जांच का विषय, इसके अगर माता पिता अगर इसके ऊपर जो छोड़ के गए हुए हैं या पिता इसको मारा पीट करता है या माँ कुछ करती है, तो CWC के माध्यम से उनको बुला के उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। सविता जी, नवरात्रों का समय, ऐसे समय बेटियों के साथ ऐसे हालात है, मतलब यही थी कि रात को अगर कोई हादसा हो जाता तो वो बताया कि आपका भी काम पड़ता, मीडिया का भी और हम लोगों का भी काम पड़ता और पुलिस का भी काम पड़ता, आपको बताइए कि भाई बहुत से शरारती तत्व जो रात को नशा करके या कैसे भी घूमते बच्ची को उठा ले जाते, कोई अनहोनी ना हो जाती बच्ची के साथ, और अभी ये कह रहे हैं कि कई जैसे ऐसे ही बताया कि कई दिन पहले भी ऐसे ही इसको छोड़ के रात को 2:30 बजे पुलिस छोड़ के गई है, तो इसका मतलब ये है कि बच्ची है, कुछ हादसा ना हो जाए बस उसी को देखते हुए बच्ची का घर भी ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे ये था कि सीधा अगर थाने में ले जाएंगे तो पुलिस फिर उनको यहीं छोड़ जाएगी, तो इससे पहले ये लगा कि मैं ही पहले इसका घर ढूंढ के और उनसे बात करके पूरे परिवार में है क्या चीज़, तो चलो पुलिस का थोड़ा सा काम आसान कर दिया कि उनको घर नहीं ढूंढना पड़ा, उसका परिवार नहीं ढूंढना पड़ा। लड़की के माता पिता उनसे बातचीत करने, माँ तो कह रहे हैं किसी कुराड़ गाँव में उसने शादी कर रखी है, लेकिन अभी थाने में जाके उसका जो इसके जो माता पिता है ना उसको पुलिस बुला लेगी, तो जो इसकी माता जी हैं किशोर छात्रा जी हैं तो इनको तलाक दे के रह रही है, वो तो पुलिस जा पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी तो वो या वो जो पहला पति है वो बताएगा तलाक हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ये देखो कि एक जो महिलाएं हैं जो एक तो देवी का दर्जा दिया गया हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को, और महिलाएं जो इस तरीके से कलंकित कर रही हैं कि भाई दो बेटियों को छोड़ के और एक बेटे को साथ लेके किसी दूसरे पुरुष के पास जाके रहने लगी और बच्चियों का भविष्य खराब होने लग रहा है, एक थोड़ी सी अपनी मतलब थोड़ी सी भूख के लिए लगा लो या किसी चीज़ के लिए लगा लो और बच्चियों को इस तरीके से छोटी मासूम बच्चियों को पैदा करके यहाँ छोड़गी और आप किसी और के साथ अपने इंजॉय कर रही है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का, और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाओगे, चाहे माँ है चाहे उसके माता पिता हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वहीं पड़ोस की महिला ने बताया कि बच्ची की माँ पहले भी प्रेमी के साथ भाग चुकी है, तब भी वो कई बार इस बेटी को बाहर छोड़ देती थी, बाहर के लोगों से बचाकर बार बार बच्ची को वापस लाया जाता था, इतना ही नहीं महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्ची की माँ पिता दादी और चाचा भी बच्ची के साथ काफी मारपीट करते हैं, जिससे बच्ची कई बार डरकर अपनी नानी के पास आ जाती थी। मैं ये बताना चाहती हूँ, ये बच्चे कई बार जा चुके हैं घर से और मतलब के इनकी केयर नहीं है। अच्छा। अब जैसे ये 3-4 दिन पहले इसकी दादी आई थी मेरे घर, तो मैंने कहा था भाई कितनी देर होगी, बोली रात की गायब है, मैं कहा 24 घंटे हो गए तो दरखास्त दे, कंप्लेंट दे लड़की की, और मैं कहा दरखास्त दे भाई लड़की को ढूंढो, नो बोली अपने आप आ जाएगी, इनका तो काम ही है भागने का। हाँ। तो अब आप लेके आए उस लड़की को। अच्छा। हमें तो पता नहीं, आप बोल रहे थे उसका 8 बच्चे हैं। हाँ, 8 बच्चे हो चुके थे इसकी मम्मी के, अब ये 2 लड़कियां हैं, बाकी उनका सारों का देहांत हो गया था। अच्छा। भाई जैसे पता नहीं कैसे किस तरह मरे थे, ये क्या हुआ हमें तो पता नहीं उस चीज का, इसको नानी को पता होगा। कौन से गांव में आई थी? ये यही है हरि सिंह चौक पे। बच्ची कहाँ है? ये कुराड़ साइड। पहले भी बच्ची थी वो? हाँ, पहले भी गई हुई है कई बार। अच्छा। उसका मतलब ऐसा ही करेक्टर है। उसके क्या बालक है जिसके गिले बच्ची? अब उसके तो कई 3 बेटे कर लिए उसने, दो लड़के हो गए उसके भी जिसके गई हुई है वो। अच्छा, तो हम बताओ थे कि पुलिस रात ने इस लड़की को पहले भी छोड़? हाँ, पहले भी छोड़ के गई है पुलिस इसको। हाँ, पहले मार पिटाई भी करी गई? हाँ, बच्चों के साथ मार पिटाई है पूरी। ये मार पिटाई इसके पिताजी और इसकी दादी करा और चाचा। क्या था, कब है? बस यही भाई माँ की उसकी वजह से, भाई माँ गलत है, बच्चों के ऊपर प्रेशर है सारी चीजों का। इसकी दूसरी बेबी भी है? हाँ, दूसरी भी है। उसके साथ भी मार? हाँ, उसके साथ भी यही मारपीट है। इनकी बच्चों की कोई केयर ही नहीं है बेचारों की। अब ये वहाँ तो मारा पीटा छेते तो ये नानी के पास भाग गया है या हमारे पास आ जाए। देखो हम तो डरते रखते नहीं, भाई लड़की की जात है, कल ना कहीं और गुम होगी तो हमारा तो ऊंचीना आराम कर देंगे, इस वजह से नानी के पास आ जाए डर के। अब इतने दिनों से देवी मंदिर में घूम रही है, अगर कोई हादसा हो जाता है इनके साथ? हादसा तो जी कई बार मेरा लड़का भी इसने हादसों के उसमें तो बचा के लाया कई बार समय, क्योंकि उसमें तभी काट दिया है लड़की। अच्छा। मेरे लड़के के साथ भी समय क्यों ना मारपीट कर दी थी इन लड़कियों के चक्कर में, समय क्यों के साथ बैठी थी? हाँ, बच्चा आयो इसने क्या पता कौन समय की है, कौन शराबी
रही है हाँ। तो मेरा लड़का इसने कई बार लड़की ने लाया है छुड़वा का अच्छा। मेरे लड़के के साथ समय क्यों ना मारपीट भी कर दी थी। फिर उनकी कंप्लेंट नहीं करी था हमने जो जी हम क्या कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, वो तो उल्टे मारे पे चढ़ाई कर दान का या तो नानी है बेचारी वो तो इसके साथ भी पीछे मारपीट करके गए थे। उसके जो मतलब जो इसकी लड़की का घर वाला जो वो भी और उसके मतलब देवर जेठ है वे भी और जो उसकी सास है वो भी। तो देखिए एक माँ की क्रूरता और उस परिवार की क्रूरता जो बच्ची के साथ मारपीट करता है। नवरात्रि चल रहे हैं, पूरी दुनिया इन बच्चियों को पूजता है, तो दूसरी तरफ एक बच्ची के साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन गनीमत रही कि इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। फिलहाल जो है समाज सेविका सविता आर्य और इस महिला की बदौलत बच्ची को नानी के घर पर लेकर जाया जाता है। हालांकि जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि बच्ची के साथ मारपीट की जाती है, तो ऐसे में बच्ची को लेकर समाज सेविका सविता आर्य पुलिस थाने में पहुंची। उसके बाद क्या कुछ होगा फिलहाल जो है जैसी भी अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। फिलहाल अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।